नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले क्या हैं तो उसको समझिए। आज हम पढ़ने वाले हैं लवक, ठीक है। ये सेल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, सेल वाले चैप्टर का थर्ड पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3, ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है, इसमें आपको मतलब ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है, और बायो की, ठीक है, जो कि आपको एक सीरीज वाइज आपको एक नंबर में मिलता जाएगा। तो आज तीसरा पार्ट है जो कि हमको समझना है। देखिए लवक क्या है, लवक के बारे में समझेंगे तो ये केवल पौधों में पाया जाता है, ओनली प्लांट, ठीक है, किस में पाया जाता है, केवल पौधों में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लवक कुछ इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, लवक कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार, एक के ऊपर एक ऐसे इसके वड़क मौजूद होते हैं, किसके, लवक के, ठीक, क्लियर, कोई डाउट, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह होता है लवक, लवक का कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और इसमें हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं लवक। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला जो है वह है, इसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला जो है हमारा वह है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में हरित लवक, अवरित लवक और अवरित लवक, ठीक है, अवरित लवक है यहाँ पर, अवरित लवक है। तो ये 3 टाइप्स के, ठीक है, हिंदी नाम थोड़ा याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आप हिंदी नाम याद, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लियर, कोई डाउट, हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहता, जो क्लोरोप्लास्ट है वो करता क्या है, तो उसको ध्यान से समझेंगे। यह है भोजन बनाता है, क्या बनाता है, भोजन बनाता है। और इसमें क्या, ये क्लोरोफिल के कांटेक्ट में रहता है, किसके कांटेक्ट में, क्लोरोफिल। देखिए पौधों के अंदर एक वड़क पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसी के वजह से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है हरी भरी होती है, या पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। और देखो जब तक आपको मालूम होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, जब क्लोरोफिल के क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल ये क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से और जल की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो भोजन के लिए भोजन का काम करता है। आई बातें समझ में, तो भोजन का कौन फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यह भोजन बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है, ये जो बना देता है ना, ये क्या करता है, उसको बिटोर को रख लेता है और समय आने पर आपको देता है, जैसे कि जड़, ठीक है, जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हैं, जड़ को लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, जड़ को। और दूसरा जो है वह है हमारा क्या, फल। पहला क्या है, जड़, दूसरा क्या है, फल। हम जड़ की बात करें और फल की बात करें तो देखिए जैसे कि फल जो फॉर्मेशन, जैसे कि अमरूद ले लीजिए, तो अमरूद जो होता है उसका फल ही तो खाते हैं, तो भोजन स्टोर कर रख रहा है, ठीक है। और दूसरा है क्या, जड़, जैसे जड़ में आपका कौन जो आता है, ठीक है, प्याज हो गया, तो प्याज का नीचे वाला ही तो हिस्सा खाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उसके नीचे का हिस्सा ही तो खाते हैं, जो कौन हो गया जो कि गंजी जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ये नीचे का आलू हो गया, वो सब जड़, मतलब क्या, उसके फल हम वही तो खाते हैं, तो इसलिए वो जो फल जो मन रहा है और जो जड़ है उसके अंदर क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, क्लियर, कोई डाउट, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो ये फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है, जैसे कि फल का जो रंग होता है अलग अलग होता है, फूल का रंग जो होता है अलग होता है, कोई पीला होता है, कोई गुलाबी होता है, कोई नीला होता है, ऐसे करके फूलों का रंग होता है, तो उसको रंग देने का काम कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे टमाटर, टमाटर और मिर्च, ठीक है, टमाटर और मिर्च का रंग लाल किसके वजह से होता है, लाइकोपेज की वजह से, ये एक प्रकार का क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, वड़क है। गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, चुकंदर का रंग विटामिन की वजह से, फलों का पीला रंग किसके वजह से होता है, जेंथोफिल की वजह से, फलों का पीला रंग किसके वजह से होता है, जेंथोफिल की वजह से, क्लियर, जैसे आम पीला हो जाता है किसके वजह से, जेंथोफिल की वजह से, अब कोई डाउट नहीं ना। तो यह हो गया हमारा आज का टॉपिक, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए टॉपिक में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।